हेलो दोस्तों, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम पहुंच रहे हैं प्रति शिरडी साई बाबा मंदिर, जो कि है शिरगांव में। और ये मंदिर ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे पे है और पुणे से अराउंड 32 किलोमीटर दूर है। सो अभी हम पहुंच चुके हैं मंदिर को। ये है मंदिर का प्रवेश द्वार, बहुत ही सुंदर एंट्रेंस बनाया है। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर है। तो चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं। मंदिर सुबह 5 बजे से रात को 10 बजे तक शुरू रहता है। प्रति शिरडी मंदिर शिरडी के मंदिर के जैसा ही बनाया गया है। सो यहाँ पे आगे जाके आप पैर धो सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर इमारतें हैं और क्या नज़ारा है ये मंदिर का। ऐसा लगता है कि शिरडी में ही आ गए हैं। बहुत ही प्रसन्न वातावरण है यहाँ पे शिरगांव में। सो ये आप देख सकते हैं, ये है गुरुस्थान। सो चलिए गुरुस्थान की ओर बढ़ते हैं। आप एक नीम का पेड़ भी देख सकते हैं। ऐसा कहा जाता था कि साईं बाबा नीम के पेड़ के नीचे आराम करते थे। ये है गुरुस्थान, यानी कि जहाँ पे गुरु रहते थे। सो ये था साई बाबा का आराम स्थल। सो यहाँ पे एक मंदिर देख सकते हैं आप। अभी हम जाएंगे साईं बाबा का दर्शन लेने। उससे पहले सैनिटाइजेशन करना होगा, तो बहुत ही अच्छा सिस्टम है यहाँ पे। तो थोड़ा सा चल के ही हम जाएंगे द्वारका माई को। अंदर जाके आपको देखने को मिलेगा साईं बाबा का फोटो। ये आप देख सकते हैं, ये है साईं बाबा ने प्रज्वलित किया हुआ धुनि। बहुत सारे लोग द्वारका माई में अपनी मन्नत मांगने जरूर आते हैं।
अभी चलते हैं अन्न छत्र राजवाड़ा को। आप देख सकते हैं बहुत ही भव्य राजवाड़ा है, बहुत ही सुंदर अन्न छत्र राजवाड़ा है ये। तो ये बहुत ही फोटोजेनिक प्लेस है, हमने बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक किए हैं। अगर आपको ये फ़ोटोज़ देखने के तो ज़रूर हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कीजिए जो कि है निक गोल्स। बहुत ही अद्भुत और सुंदर राजवाड़ा है ये, क्या आर्किटेक्चर है। यहाँ पे महाप्रसाद मिलता है और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा आर्किटेक्चर है, बहुत ही डिटेल से काम किया है और ये वेल मेंटेन्ड है। हिस्टोरिक पैलेस आप देख सकते हैं। सो इसमें एंशिएंट और मॉडर्न दोनों तरीके इस्तेमाल किए गए हैं। ये शिरगांव का मंदिर 2003 में स्थापित हुआ था। यहाँ से महाप्रसाद का कूपन लिया जाता है। बहुत ही मन प्रसन्न हुआ हमारा यहाँ आके, ऐसा लगा कि हम लोग शिरडी में ही हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे।